मैं कर्नल SPS चीमा, मैं इंडस डिफेंस एकेडमी का डायरेक्टर हूँ। मैं मैकेनाइज इन्फेंट्री को बिलोंग करता हूँ। रिटायरमेंट के बाद मैंने ये एकेडमी शुरू की है, जिसका मकसद है कि हम कैडेट्स को ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और रिटन एग्ज़ाम में सक्सेसफुल बना सकें, ताकि वो ऑफिसर कैडर में शामिल हो सकें। जो सबसे मुश्किल काम आज पेरेंट्स को लग रहा है कि उनके अभिभावकों को सही जगह नहीं मिल रही, जिससे बच्चे जो हैं अप्रोप्रिएट रिजल्ट्स नहीं दे पा रहे। इस गैप को पूरा करने के लिए हम लोगों ने इंडस डिफेंस एकेडमी की शुरुआत की। इस एकेडमी के अंदर डिफरेंट विंग्स हैं जो कि तैयारी करवा रहे हैं। उसमें NDA विंग, जिसके इंचार्ज कर्नल अनिल हैं, उसके बाद CDS विंग, जिसके इंचार्ज कर्नल SPS चीमा है, उसके बाद SSB विंग है, जिसके इंचार्ज कर्नल KJ सिंह है। रिटन एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो मेरी देखरेख में होती है, और जो बच्चे ग्रेजुएशन करना चाहते हैं और प्लस टू करना चाहते हैं उनको भी मैं ही सुपरवाइज कर रहा हूँ। इसके अलावा एकेडमी का एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिशन की देखरेख मेरे द्वारा ही की जा रही है। अभी जो समझने की बात यह है कि ये जो इंडस डिफेंस एकेडमी है, इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, जिससे कि हम बच्चों का ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट किस प्रकार से हम कर सकें। उसके लिए हमारे पास फिजिकल फिटनेस के लिए जिमनेजियम है, शूटिंग रेंज है, फुटबॉल ग्राउंड है, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल और एथलेटिक्स का ग्राउंड है हमारे पास। इसके अलावा हम फ्लोर एक्सरसाइजेस और क्रॉस कंट्री भी कंडक्ट करते हैं। इन सब चीज़ों से लीडरशिप और फिजिकल फिटनेस बच्चे की हम डेवलप करते हैं। जो हमारा SSB विंग है वो बच्चों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट के गुर सिखाता है, और अगर हम मोटे तौर पे देखें तो सबसे बड़ी कमज़ोरी जो बच्चों की हमने देखने की आई है वो कम्युनिकेशन स्किल्स की है। उसको भी हम लोग जो हैं स्पेशल टीचर्स के ज़रिए बच्चों के जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उनको हम एक आला दर्जे पे लेकर आते हैं। अभी समझने की बात है कि किस किस के ज़रिए जो है बच्चा आर्मी में ऑफिसर बन सकता है। एक तो है अंडर ग्रेजुएट, एक ग्रेजुएशन के बाद। अंडर ग्रेजुएट एंट्री के लिए हम लोग नेशनल डिफेंस एकेडमी की तैयारी करवाते हैं। JEE के साथ साथ प्लस टू का अच्छा रिजल्ट आने पे बच्चा टेक्निकल एंट्री के ज़रिए भी निकल सकता है। इन दोनों की चीज़ें, दोनों एंट्रीज की हम जो है तैयारी करवाते हैं। इसके अलावा कम्बाइंड डिफेंस सर्विसेज ग्रेजुएशन के बाद, इसमें लड़के और लड़कियाँ दोनों की हम तैयारी करवाते हैं। लड़के जो है उनको कम्बाइंड डिफेंस सर्विसेज के लिए तैयारी करनी होती है, और हम ग्रेजुएशन भी साथ ही करवा रहे हैं। सिमिलरली गर्ल्स के लिए भी ग्रेजुएशन और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी की हम तैयारी यहाँ पे करवा रहे हैं। हमारे पास SSB को हैंडल करने के लिए कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसके अंदर ऑब्स्टिकल कोर्स और डिस्कशन रूम्स, ये सब चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। इसके अलावा हमारे पास अच्छी फैकल्टी है जो कि रिटन एग्ज़ाम की तैयारी करवाती है, जिसके अंदर डॉक्टर बलजीत, IIT से नवीन और फिजिक्स केमिस्ट्री के टीचर्स हैं हमारे मिस सिमरन और
मिस कामनी दोनों की, दोनों ने एमएससी और बीएड की हुई है। इसके अलावा हमारे पास सूबेदार पाल हैं जो कि बच्चों को ड्रिल और एनसीसी की एक्टिविटीज़ जो हैं वो करवाते हैं। जो भी बच्चा या कैडेट हमारे पास आता है उसको हम एनसीसी में भी नामजद करवाते हैं, जिससे कि जो एनसीसी की एंट्री है उसमें भी बच्चा जा सकता है। अभी हमारे पास जो बच्चे ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके हैं उनमें गुरिंदर, सरताज, जसकीरत, राहुल, कपिल, दलजीत, ये ऐसे कैडेट्स हैं जिनको सक्सेस मिल चुकी है। अभी एक शब्द मैं यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगा। हमारे पास एक एयर कंडीशन हॉस्टल है, क्लासरूम्स भी एयर कंडीशन हैं और सब देख रेख जो है इस प्रकार से है कि हम लोग जो है बच्चे को एक अच्छी फैसिलिटी दे सकें और अच्छी फैसिलिटी के ज़रिए ही बच्चा जो है सक्सेसफुल हो सकता है। अब बात आ गई ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग के लिए हमने यहाँ का रूटीन, बच्चों का सुबह 5 बजे शुरू हो जाता है जिसमें पीटी, ड्रिल, उसके बाद ब्रेकफास्ट, फिर क्लासेस, सीबीएसई की क्लासेस या एनडीए की क्लासेस, उसके बाद लंच ब्रेक, फिर उसके बाद अगेन क्लासेस, फिर इवनिंग में स्पोर्ट्स एंड गेम्स या शूटिंग, और उसके बाद डिनर, घंटा दो घंटा पढ़ाई और 10 बजे स्विच ऑफ। तो बच्चों का जो रूटीन है वो कम्प्लीटली सुपरवाइज्ड है, कोई भी बच्चा जो यहाँ पर जो आया है वो अनसुपरवाइज नहीं रहता। एक शब्द और कहना चाहूँगा, पंजाब में सरकार ने 2 अकेडमियाँ बनाई हैं जिसमें माई भागो लड़कियों के लिए और महाराजा रंजीत सिंह अकेडमी बॉयज़ के लिए एनडीए के लिए उन्होंने बनाई। उसी तहत जो फैसिलिटीज़ बच्चों को, कैडेट्स को इन 2 अकेडमी में मिल रही है, सिमिलर फैसिलिटीज़ हम भी यहाँ प्रॉपर प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी हमारे पास 45 स्टूडेंट्स हैं जो कि एनडीए एग्ज़ाम में अभी 18 अप्रैल को जो है अपीयर होंगे और जब रिजल्ट्स आएंगे तो हमें पता चलेगा कि हम लोग जो हैं कहाँ स्टैंड करते हैं। इसके अलावा अब जो है विज़िट करके फैसिलिटीज़ को देखा जा सकता है और जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपना एक्सपीरियंस जो है शेयर किया है जिसको कि आप देख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।